Hello, my name is Shidesh Srivastava and this is my video vlog. A lot of people have been asking me कि आप social media पे इतना frequently content क्यों डालते हो? किसी किसी दिन आप 5 videos डाल देते हो और फिर आप कभी videos नहीं डालते हो और कभी Instagram में आप सात सात आठ आठ दस दस पोस्ट डालते हो, आप Facebook पे पोस्ट डालने लगे हो. एंड दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी विच आई एम फॉलोइंग. एंड द स्ट्रेटजी विच आई एम फॉलोइंग हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च डेट आई हैव डन while I was working as a digital marketing expert for a lot of people, and I was working on some companies जिनके लिए मैं digital marketing करता था. तो मैंने बहुत सारे influencers देखे हैं, उनसे बात की है, उनसे उनके interviews लिए हैं. एंड एक चीज़ जो मुझे बार बार समझ में आई इंस्टाग्राम को लेके या फेसबुक को लेके या सोशल मीडिया को लेके, वो सिर्फ एक चीज़ थी. वो ये जैसे बार बार लोग कहते हैं ना कि आप अच्छा कंटेंट डालो, इस तरह कंटेंट डालो, टैग वर्ड्स यूज़ करो, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो. बेसिकली नथिंग वर्क्स इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद योर कंटेंट. यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट. तो मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, ये शायद मेरी लाइन नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में कैसे आई है, बट दिस लाइन एक्चुअली वर्क्स. कि आपका सोशल मीडिया जो है वो बेसिकली एक शॉपिंग मॉल की तरह है, और जितना ज़्यादा सामान उस शॉपिंग मॉल में होगा उतने ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पे होंगे. तो आपको अपनी शॉपिंग मॉल में सामान ज़्यादा रखना है. आपके 1000 पोस्ट हैं तो जाहिर सी बात है कभी भी कोई भी आदमी उस प्रोफाइल पर आएगा आपकी, वो देखेगा तो वो उस चीज़ पर सोचेगा कि यार इस बंदा लगातार कंटेंट डाल रहा है, तो जब भी मैं इसको फॉलो करूँगा तो मेरे पास और कंटेंट आएगा इसका. सो इफ़ ही फाइंड्स यू इंटरेस्टिंग, इवन इफ ही फाइंड्स यू मॉडरेटली इंटरेस्टिंग, बट इफ ही फाइंड्स कि ये बंदा लगातार कंटेंट डाल रहा है, ही माइट फॉलो यू. That is the whole thing, and best part of all this thing is that you may start putting bad content on social media, but eventually you get better in putting content. You will realize so many things, so many apps are there to help you. You realize how to put right tags. You realize how to write good description. You when you click 1000 photos for your post, like mera jo goal hai ki main apne Instagram pe 1000 photos डालूंगा, FB पे 1000 posts डालूंगा, तो उसके पीछे भी जो कारण है वो यही है कि आई वॉन्ट टू गेट बेटर विद टाइम. वेन यू कीप डूइंग थिंग्स ओनली देन यू गेट बेटर. बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो मैंने देखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज किए हैं, बट आई जस्ट डिड दैट कोर्स एंड आई हेल्प पीपल, आई एडवाइस देम, बट आई नेवर डिड इट माई सेल्फ. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू डू इट माई सेल्फ. आई एम ट्राइंग टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर एंड आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई चैनल राइट फ्रॉम जीरो, बिकॉज आई डो नॉट हैव दैट मैनी फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब. आई एम नॉट पुटिंग एनी मनी, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट्स, SEO एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच पीपल क्लेम एक्चुअली हेल्प्स. बट द थिंग इज आई हैव सीन guys who has done nothing and has just been putting content one after another and they have become rather successful. So aapko ek cheez samajhni padegi ki it's more about content and people on internet, jo YouTube videos hain ya jo articles hain, aap unme baar baar padhoge and they will keep telling you that this is a secret method, aapko ye istemal karna chahiye, aapko SEO istemal karna chahiye, aapko aise tags istemal karne chahiye, keywords istemal karne chahiye, aisa search kariye, waisa kariye. You might get successful doing that. Not successful, moderately successful, कि आपके कुछ views आने लगेंगे, but over the time you will realize that if you are not growing personally, nothing good is going to happen. आपको अपना content better करने के लिए आपको किसी को hire करने की ज़रूरत नहीं है. You just keep on creating more content, and over time if you practice doing something again and again, you become better at it. So basically do not stop. बहुत सारे लोग सिर्फ social media पे इसलिए content नहीं डालते हैं, they wait कि जब तक कोई अच्छी picture नहीं आएगी, I won't put the content. ठीक है, इतने सारे editing apps हैं, थोड़ा सा ठीक करो, picture को डाल दो. क्या होगा, कोई तुम्हें गोली थोड़ा मार देगा, कोई तुम्हें पैसे थोड़ा दे रहा उस चीज़ का, तुम्हारी प्रोफाइल है. लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, हर तरीके के लोग हैं. तुम कुछ भी डालोगे उसका अप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म आएगा. डू नॉट वेट एंड स्टॉप फॉर दैट, जस्ट कीप पुटिंग द कॉन्टेंट. यू डोंट नो विच कॉन्टेंट इज गोइंग टू वर्क. अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंस्टाग्राम पर अपने एक फोटो डाला था शॉपिंग का, थोड़ा पुराना फोटो था, मतलब कुछ हफ्ता दो हफ्ता पहले मैंने ऐसे डाल दिया. उसमें टैग वर्ड्स यूज़ किए, ली टैग्स करके एक ऐप है जिससे मैंने टैग वर्ड्स निकालता हूँ मैं बेसिकली, और मैं उसको डालता हूँ. तो मैंने डाला उस पर, सरप्राइजिंगली 100 से ऊपर लाइक्स आ गए, जो कि क्योंकि मेरी प्रोफाइल जो है वो 2 हफ्ते पहले ही मैंने उसको एक्टिवेट किया है, तो उससे मैंने बंद पड़ी हुई थी. सो कहने का मतलब ये है कि उसमें एकदम से सरप्राइजिंग वे में बहुत सारे लाइक्स आने शुरू हो गए. एंड आई वाज लाइक कि यार इस पोस्ट में, इस टैग्स में लाइक करने वाला कुछ था भी नहीं, बट मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट डाले जो मुझे लगता था कि सक्सेसफुल हो जाएंगे पर वो नहीं होते. एंड दिस इज़ व्हाट अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेल्स यू, दैट यू माइट बी थिंकिंग दैट समथिंग विल वर्क एंड इट डजंट वर्क, एंड समटाइम्स यू माइट बी थिंकिंग दैट दिस विल नॉट वर्क एंड सरप्राइजिंगली इट वर्क्स. सो दैट्स द डिफरेंस. यू डजंट नो वॉट वर्क्स एंड डज वॉट डजंट वर्क ऑन सोशल मीडिया. लाइक ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ पीपल रिव्यूइंग अदर पीपल्स वीडियो एंड यू आर वॉचिंग अदर पीपल रिव्यूइंग समवन एल्सेस वीडियो, एंड दिस इज सच एन स्टूपिड थिंग. यू कैन वॉच अ वीडियो बट यू लाइक टू वॉच पीपल वॉच अदर्स वीडियो. And JB Koe, who watches a lot of trailers and songs, and you watch him watch those trailers and songs, and he has over millions of subscribers, and I don't know what kind of content he's creating, but the thing is people like that.
and you cannot debate with the liking of people. Whatever people like, whatever the audience likes, that's it. That is the same, the successful model that you have to follow. Right now, the model that I'm following is my own. There is no success model. Eventually, I will take YouTube very seriously. Eventually, that is going to happen. But I have decided that I'm going to cross 1,000 videos. Because first of all, the most important thing for me right now is to become a better speaker. I have to speak better. This is one of my priorities of life. This is like a challenge for me. Because 15 years ago, when I started this thing about myself, that I want to improve my public speaking, I want to become a better speaker, I didn't know it will end here. I just kept on reading books. I just kept making an effort. I was really, really bad at it. And abhi bahut sare changes hue hain, jiski wajah se jab main bolta hu to log sunte hain, log mujhe bulate hain sunne ke liye. And they say ki when you speak, we love what you talk. But it took so much effort and time for me. So I think that I have to move a little bit more forward. I have to make more videos, like 1,000 videos mujhe complete karna hai. Uske baad main apne channel ko grow karne ka sochunga. Fir main time dunga aur shayad properly YouTuber bhi ban jaun ki main ab YouTube ke liye hi video bana raha hu. To main wo bhi karna shuru karunga. But I am giving myself some time. Keep on doing what you're doing. Develop it into a habit. Develop a discipline out of it. And only then things will start to happen. More than that, I'm already getting love of so many subscribers. So many people call me, message me. And I like that due to my routine of things that I'm doing right now. I'm unable to attend a lot of calls and messages. But I try to be in touch with as many people as I can. And help as many people as I can. I want to do that, because I love doing that. But time nahi hai. Anyways, so social media pe main aapko advice dena chahta hu ki jitna post kar sakte ho karo. Bilkul mat socho log kya sochenge. Do not make it an ego question. Do not make it a self esteem question. Just put content. You do not have to be perfect to do something. Just keep on doing things. You will become perfect eventually. But you have, no one is born perfect. No one, there won't be any defining moment or a miracle one night that you will become a perfect guy someday. That's not going to happen. Just keep doing things imperfectly, and one day it will lead to perfection, or nothing happens overnight. So please keep doing that, and that will help you eventually. And trust me, within a year or two, you will become a top Instagram, Facebook or YouTube influencer. Trust me on that. Okay, so we'll meet in the next video. Tab tak ke liye, bye bye.